Yes, students. Now let's do book exercise of the chapter A True Friend. So hurry up. Take out your English reader book. We are going to do book exercise of the chapter A True Friend. So let's start. Take the appropriate answer. Appropriate matlab correct answer. Rahul was jealous of Raj because he always won in cycling, always stood first, was good at heart. So which is the correct answer? Always won in cycling. राहुल वॉज जेलेस ऑफराज बिकॉज ही ऑलवेज वन इन साइकिलिंग नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट राहुल पाथ बिकॉज ही था उसने गड्ढा बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन द रेस सो करेक्ट आंसर इज विन द रेस राहुल डग अ स्मॉल पिट ऑन दाथ बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन द रेस रेस जीतने के लिए किया था ना उसने गड्ढा

रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो डू नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट अब ये जो डायलॉग है ठीक है ये आपको बताना है ठीक है ये हमारा चैप्टर में से हमें ये अब इस डायलॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए ठीक है तो वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन फर्स्ट है हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन्स एंड होम इज ही टॉकिंग टू अब याद करो डू नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट ये लाइन किसने बोली थी हु इज द स्पीकर ऑफ द अब लाइन कौन है स्पीकर ये लाइन कौन बोल रहा है राज बोल रहा है और किसको बोल रहा है हुम ही इज टॉकिंग टू किसको बोल रहा है राज ने किसको कहा था कि डू नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट कि घबराने की चिंता नहीं घबराने की जरूरत नहीं है दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट ये क्या है क्लास टेस्ट है तो राहुल को बोला था राज ने याद है ना स्टोरी जब राज के कम मार्क्स आए थे टेस्ट में तो प्रिंसिपल सर ने उसे वार्निंग दी थी कि टर्म एंड में अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो ही विल बी पनिश्ड याद है स्टोरी तो राज ने राहुल को कहा था डू नॉट वरी दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट तो हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन राज इज द स्पीकर एंड हुम इज टॉकिंग टू ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड Rahul. he is talking to his friend Rahul. Yes students, I have written answer over here। Raj is the speaker, he is talking to his friend। Now let's move to the next question। Why is the listener worried? यहाँ पे why is the listener? Listener मतलब कौन सुन रहा है? ये dialogue किसको कहा गया है? राहुल को। तो राहुल worried क्यों है? क्यों कह रहा है राज उसे कि do not worry। क्यों कह रहा है? Because He is not good in studies क्योंकि वो studies में अच्छा नहीं है इसलिए तो उसके कम marks आए हैं because he is not good in studies. Now next one, what does the statement tell you about the speaker's character? अब ये जो statement है ये जो बोला हुआ है ठीक है dialogue और उसके बाद वट डज द स्टेटमेंट टेल यू अबाउट द स्पीकर करेक्टर तो ये जो लाइन है इससे इससे हमें क्या पता लगता है जो डायलॉग बोल रहा है उसके करेक्टर के बारे में क्या पता लग रहा है ठीक है तो द स्पीकर राज कौन है स्पीकर राज इज अ गुड नेचर करेक्टर ठीक है गुड नेचर करेक्टर है क्यों क्योंकि देखो वो अपने फ्रेंड को कह रहा है डोंट वरी उसे पॉजिटिव कह रहा है ना कि घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये तो क्लास टेस्ट है So the speaker, speaker, तो द स्पीकर राज इज अ गुड नेचर्ड बॉय ही बिलीव इन फॉर गिव एंड फॉर गेट राज वो गुड नेचर्ड बॉय है अच्छा बच्चा है ठीक है तभी तो वो पॉजिटिव बोल रहा अपने फ्रेंड को और वो किस में विश्वास करता है फॉर गिव एंड फॉर गेट दूसरों की गलतियों को माफ कर देना भूल जाना सो राज इज अ गुड नेचर्ड बॉय ही बिलीव इन फॉर गिव एंड फॉर गेट तो राज का नेचर यहाँ बताया जा रहा है कि वो गुड नेचर्ड है और वो फॉर गिव एंड फॉरगेट में बिलीव करता है तो दिस इज द करेक्टर ऑफ द राज ओके स्टूडेंट्स नाउ यू विल राइट इन योर बुक दीज आंसर यू विल राइट इन योर बुक ओके